नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। राजपाल यादव ने जून को इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर एक्टर ने मीडिया से अपने करियर और यादगार किरदारों के बारे में बात की। इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने वो किस्सा याद किया जब स्क्रीन पर उन्हें पीटता देख उनकी मां डर गई थी। उन्होंने टीवी सीरियल देखने से इनकार कर दिया था जिसमें उनके बेटे को मार पड़ी है। एक्टर ने बताया कि उनके पेरेंट्स हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री से अनजान रहे हैं, इसलिए उन्हें कॉमेडी सीन्स में पीटता देख वो डर जाते हैं। राजपाल ने आगे कहा, उस समय टीवी पर एक वही मात्र चैनल हुआ करता था। मेरे गांव के लोग मुझे शो में देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। शो का एक सीन था, मैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान और अमरीश पुरी के बीच आखिरी सीन का सपना देख रहा था जहां शाहरुख की पिटाई हो जाती है। मैं सपने में शाहरुख का किरदार निभा रहा था, इसलिए मेरे बॉस मिस्टर सेठी ने सीन में मुझे कई बार थप्पड़ मारे। सीन में मुझे पिटता देख कर मेरी माँ घबरा गई और चिल्लाते हुए वहाँ से चली गई। बाद में मैंने उन्हें समझाया कि ये सिर्फ एक्टिंग थी और ये सभी ट्रेंड एक्टर हैं। एक्टर ने फिल्म हंगामा के बारे में बात करते हुए बताया कि वो अपनी माँ को कभी मुंबई नहीं ला सके क्योंकि वो ट्रेवल नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने माँ को घर पर ही फिल्म दिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, मेरे परिवार वालों ने घर हंगामा देखी थी, मेरी माँ ने भी इस फिल्म को देखा। मैंने उनसे कॉल पर पूछा कि क्या आपने फिल्म देखी, उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा, कितना पीटते हैं लोग तुझे। बॉलीवुड हंगामा का दिए इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि उन्हें फिल्मों में मार खाता देख माँ ने उनकी फिल्में देखना बंद कर दिया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।